ज्ञानवापी मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया। सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए 4 अगस्त का समय तय किया गया, तारीख तय की गई। कोर्ट ने 4 अगस्त तक एएसआई सर्वे करने के लिए कहा है और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। 16 मई को हिंदू पक्ष ने सर्वे के लिए अर्जी दाखिल की थी अदालत में। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं वाराणसी से, ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट का ये अहम फैसला, बड़ा फैसला। अवेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अवेंद्र, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में, क्योंकि फैसला आ चुका है, सर्वे होगा, हालांकि कुछ हिस्से को छोड़ा जाएगा जिस पर कोर्ट ने प्रकाश डाला है, बताया है, लेकिन कोर्ट में जिरह किस तरह की रही? जी बिल्कुल, आज जो बड़ा फैसला है, हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। यहाँ पर देखिए कोर्ट परिसर के बाहर जो हर हर महादेव की गूंज लग रही है, यहाँ पे हर हर काफी उत्साहित है। लोग हिंदू पक्ष होते हैं लंबे समय से मांग कर रहे थे सर्वे कराने को लेकर, और सर्वे से स्पष्ट हो जाएगा कि कितना पुराना मंदिर था और कितना छोटा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचेगी। हमारे साथ हिंदू पक्ष अधिवक्ता मदन मोहन जी भी है, इनसे भी हम पूछेंगे क्या कुछ रहा। मदन जी, आज बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय न्यायालय का है, जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने ज्ञानवापी परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे करने का आदेशित कर दिया है। तो उसमें 2-3 बातें मुख्यतः उन्होंने निर्धारित की है कि पूरा आर्कियोलॉजी सर्वे हो तो किसी प्रकार के उसमें बाधा न उत्पन्न हो, और उसमें मुख्यतः जो ढांचा है उसको डैमेज न हो, और जो ज्ञानवापी का पश्चिमी भाग है जहाँ के मंदिर का भग्नावशेष है उसका हो, और जो तीनों गुम्बद है उन सबका सर्वे वैज्ञानिक ढंग से कराया जाए। तो इस मामले में 4 अगस्त को आर्कियोलॉजी सर्वे के लोग भी उपस्थित होंगे, उसके इसमें चर्च के उपाध्यक्ष से साइंटिफिक ढंग से इसका सर्वे करेंगे, ये निर्धारण होगा। 4 अगस्त को जो सर्वे होगा, 4 अगस्त को जो सर्वे की टीम गठित होगी, कोर्ट बुलाया, तो उसमें क्या किस क्या लग रहा है आपको, किस तरह की टीम गठित होगी, उसमें स्कोप का क्या होगा? उसमें मुख्यतः कोर्ट के कुछ विशेषज्ञ हो सकते हैं जो मॉनिटरिंग करेंगे, और इसमें विशेषज्ञों की ही आवश्यकता होती है, तो वो आर्कियोलॉजी के देश भर के विशेषज्ञ हो सकते हैं। इसमें बहुत बड़े जो भीड़ की आवश्यकता नहीं है, वो सारे विशेषज्ञ का विषय है। तो ये आशा है कि उस दिन बड़ा साइंटिफिक ढंग से ये बातें कोर्ट की समक्ष। कितनी बड़ी जीत मान रहा है इस सर्वे को लेकर, जो काफी उत्साह देखा जा रहा है आप लोगों में? जी, यह ऐतिहासिक निर्णय है और पूरा काशी हर हर गम गम बोल रहा है। निसंदेह अब तक का जो मुकदमा मुख्यतः 32 वर्षों से चल रहा है, उसमें ये ऐतिहासिक आज का मील का पत्थर साबित होगा। आज तक क्या मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है इस मामले में? हाँ, वो अवश्य ही हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु आज प्रथम जो सोपान हमने तय किया है वो ऐतिहासिक है, और इस आधार पे उनको वहां से भी रिलीफ नहीं मिलेगी। कैबिनेट सोमवार को दाखिल किया जाएगा हमारे साथियों द्वारा, और भविष्य में वो कोई भी बाधा उत्पन्न करते हैं तो इसका माफूल जवाब दिया जाएगा, और ये अब कारवां आगे बढ़ चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे ये कारवा आगे बढ़ चुका है, वैसे की तरह मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकता है, और यहाँ पे सर्वे को लेकर बता रहा है कि काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी अवेंद्र, वक्त की बात अभी पूछी भी गई थी एडवोकेट से कि कितना वक्त लगेगा, उन्होंने अनुमान जताया कि 6 से 7 महीने इसमें लग सकते हैं, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्योंकि रिपोर्ट जो देनी है वो 4 अगस्त को सौंपनी है, कोर्ट को ये बताना है कि किस तरीके से जांच पड़ताल हुई और क्या निकल कर सामने आया। जी बिल्कुल, 4 अगस्त को रिपोर्ट भी देनी है, और फिर किस तरह कमेटी बनेगी, किसको तो किसको आदेश देता है, समय जो कमेटी बनेगी सर्वे करने के लिए, उसके बाद रिपोर्ट देने के बाद ही तय होगा कि कब से सर्वे शुरू होगा। लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि वो हिंदू पक्ष कर रहे हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मुस्लिम पक्ष की बात करें तो अभी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इस पर लगातार विरोध करते रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। जो एएसआई को 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपनी है, वो रिपोर्ट किस बात को लेकर सौंपनी होगी, क्योंकि सर्वे तो शुरू हुआ नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कहा गया है? जो रिपोर्ट सौंपनी है उसको रिपोर्ट में ये देनी है कि जो सर्वे की टीम होगी, टीम गठित किया जाएगा कि कौन कौन इस सर्वे टीम में शामिल होगा, उसको लेकर रिपोर्ट देगी, उसके बाद उसको कोर्ट स्पष्ट करेगा, उसके बाद से अगर अनुमति देता तो उसके बाद सर्वे टीम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा। अवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।